नमस्कार, हारमोनियम प्रफुल्ल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्केल और हर एक स्केल में बजाना गाना, ये कैसे हो सकेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में देखेंगे। काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली पाँच, फिर से काली एक दो तीन चार पाँच, फिर से काली एक दो तीन चार पाँच, सफ़ेद एक, सफ़ेद दो, सफ़ेद तीन, सफ़ेद चार, सफ़ेद पाँच, छः और सफ़ेद सात तक गिने जाते हैं। उसके आगे भी सफ़ेद एक दो तीन चार पाँच छः सात, और उसके आगे भी सफ़ेद एक दो तीन चार पाँच छः सात। लेडीज़ के लिए काली चार, काली पाँच, इस स्केल में ज़्यादातर गाना बजाना होता है, और जेंट्स के लिए काली एक, काली दो, और हर एक के लिए अलग अलग स्केल हो सकते हैं। कोई जेंट्स काली तीन या काली चार में भी गाते हैं, तो कोई लेडीज़ सफ़ेद एक या सफ़ेद काली एक में भी गाते हैं। तो जिसका आवाज़ जहाँ सूट करता है वहाँ वो गाता है। आप सभी दर्शक हारमोनियम सीखते हो, नोटेशन देखते हो, बजाते हो, कोई नोटेशन काली एक में देता है तो उसका नोटेशन आपके लिए काली दो में सूट करता है, या कोई सफ़ेद स्केल में एक स्वर नीचे या ऊपर आप उसको करके गा सकते हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये काली चार में सा रे गा मा पा धा नी सा है। तो जो आपको बेसिक अलंकार आते हैं वो सभी अलंकार आप हर एक स्केल में बजाते रहिए। जैसे कि यहाँ मैं बजा के दिखाऊंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। अब काली पांच में देखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। अब सफेद एक में देखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। यही अलंकार काली एक में देखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। काली दो, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह आपको जितने बेसिक अलंकार आते हैं 10, 20, 50, 100, वो सभी अलंकार हर एक स्केल में बजाना शुरू कर दीजिए, जिस कारण आप कौन सी ही बंदिश नोटेशन हर एक स्केल में बजा सकोगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब इसका नोटेशन है, सा रे मा पा मा पा मा पा नी सा नी सा। अब यही एक लाइन का नोटेशन दूसरे स्केल में कैसा होगा, सा सा, काली पांच में, सा रे मा पा मा पा मा पा
नीसा नीसा। अब देखेंगे सफेद एक में सा रे मा प नीसा नीसा। वंदे मातरम वंदे मातरम। अब यही नोटेशन देखेंगे काली एक में वंदे मातरम वंदे मातरम। अब काली दो में देखेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये जानकारी आपको देते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको स्केल समझ में आए होंगे और हर एक स्केल में ढेरों सारे अलंकार बजाते रहने से आपको हर एक स्केल में परफेक्शन आ सकेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।